चंद्र जी ये बताइए, जब ये कॉन्सेप्ट आपने सुना उसके बाद आपने हाँ किया ये इसको करने के लिए, आज बहुत बड़े बड़े फिल्म कर रहे हो, पवन जी के साथ काम करते हैं, लेकिन इस गाने को सुनने के बाद आपको करने क्या होता है, ऐसा क्या लगा कि करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग जिस धर्म से आते हैं, और जैसे ही वो गाना आया भगवाधारी करके, तो मैंने बोला आजकल तो मैं इसी तरह की फिल्में प्लान भी कर रहा हूँ। आपको पता भी होगा, अभी मैंने हर गंगे बनाई थी, फिर अभी संकट मोचन हनुमान बनाया है, तो वो प्रॉपर राम जी और हनुमान जी की पूरी कहानी है। तो मैं तो इस तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं, इस तरह के गाने होते हैं, मुझे बहुत पसंद है, ये मेरा जोनर है। तो जब सर ने मुझे फॉरवर्ड किया कि चंदन भाई आप ही देखते हैं चैनल की सारी चीज़ें, तो एक बार देख लीजिए कैसा लग रहा है गाना, क्या लग रहा है, करना है नहीं करना है, तो मैंने बोला ऑब्वियसली अच्छा लग रहा है, इसको करते हैं। तो फिर हम लोगों ने प्लान किया और इसको किया। तो आपने एक नया डायरेक्टर को साथ दिया है जो जिसको आपने सजेस्ट किया, क्या उनके साथ काम करते हुए आपको मतलब कठिनाई सामना करना पड़ा कि इजीली हो गया? नहीं नहीं, बहुत इजीली हो गया। देखिए क्या होता है ना कि अनुभव तो उनको भी है, वो भी पत्रकार हैं जो डायरेक्टर हैं बेसिकली। अब मैं तो दिलीप यादव के नाम से जानता था, बट अभी आते आते मुझे नया नामकरण सुनने में आया कि दिलीप दीवाना है। अब वो किसके लिए दीवाने हैं, किसके प्यार में दीवाने हैं, वही बता सकते हैं मुझे। काम के प्रति दीवाने हैं, काम के प्रति, अपने प्रोफेशन के प्रति समर्पण है उनका, ये जरूरी थोड़ी है कि कोई नहीं। ये भी आप डिफाइन नहीं कर सकते, आपने टाइटल दिया है, आपने टाइटल दिया है, ये डिफाइन आप नहीं कर सकते। हाँ, तो बहुत अच्छा किया उन्होंने, और मैंने तो कुछ शॉट्स देखे तो मुझे लगा कि यार बहुत कमाल के शॉट्स उन्होंने वो किए हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। गाने वाने भी बहुत, और बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है दो भक्तों का मिलन। हनुमान जी से बड़ा भक्त तो कोई नहीं है, बट उसके अलावा भी राम जी के भक्त तो दुनिया भर के लोग हैं, करोड़ों में हैं, लाखों में, दुनिया भर के लोग हैं। तो दो भक्तों का मिलन बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट था, और उन्होंने जब मुझे सुनाया कि ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट प्लान कर रहा हूँ सर, तो मैंने बोला बेसिकली बहुत अच्छा है, आप करिए। तो प्रोड्यूसर सर, आपने जो तो कहा कि मैंने जब गाना सुना इन लोगों का हाथ में दे दिया, उसके बाद मुझे पता नहीं कैसा आप गाना बन के आए, आपका भी कैसा लगा? देखिए गाना मुझे अच्छा लगा, बट मेरा थोड़ा सा कुछ और भी काम रहता है, तो मैंने पहले ही बोल दिया था कि मैं जो है दिलीप जी को और हितेश्वर जी को मैंने बोला था कि आप लोग अपने हिसाब से प्लान करिएगा सारा प्रोग्राम, सारा को शेड्यूल ऐसा पहले से सोच के रखिएगा कि मैं फिजिकली प्रेजेंट नहीं रहूँगा, बाकी टेलीफोनिक जो भी चीज़ें होंगी हम लोगों की हो जाएंगी। और फाइनली वैसा ही हो पाया, क्योंकि मैं नहीं पहुँच सकता था। तो गाना अच्छा था, गाना का जो प्लान करने वाले लोग थे वो भी बहुत अच्छे थे, अच्छे हैं थे नहीं हैं, तो बस मेरी तरफ से हाँ हुआ, और आप लोगों ने अपना प्लान किया, सारी चीज़ें अरेंज हुई, जैसा फिल्मों का प्लान होता है वैसे ही गाने का प्लान था। ये थोड़ा अलग से, जैसे नॉर्मल कोई एल्बम जैसा सॉन्ग नहीं था कि हम गए और बस अपना कुछ इधर उधर करके चले आए, प्रॉपर पूरा दो दिन मुझे लगता है या तीन दिन ऐसा कुछ लगा इन लोगों को, पूरा तीन दिन लगा जो है वहाँ पे। तो खबरें मिलती थी टेलीफोनिक दिलीप जी से भी, हितेश्वर से भी, और वो वहाँ पे जो लोकल प्रोडक्शन पहले भी हमारी फिल्मों में काम कर चुका था उसको भी बोल के रखे थे वो सब लोगों का। तो कोई ऐसी दिक्कत मुझे लगता है नहीं आई थी, क्योंकि आई होती तो दिलीप जी या हितेश्वर से बात हो ही रही थी। अच्छा रहा सर, मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं हुई। सर आपने फिल्म बनाई जिसका नाम है संकट मोचन हनुमान, और अब आपने गाना बनाया भगवाधारी, जो आपकी इमेज बनती जा रही है वो प्रो हिंदू प्रोड्यूसर की बनती जा रही है, कहीं आप चुनाव लड़ने की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैं चुनाव लड़ने की बिल्कुल तैयारी नहीं कर रहा हूँ, ना ऐसा कुछ ख्याल है। प्रोजेक्ट है जिसे डायरेक्टर्स के साथ अगर डिस्कशन होता है चीज़ें अच्छी लगती हैं। सबसे बड़ी बात तो है कि देखिए हम प्रोड्यूसर हैं, हम किसी चीज़ में आगे बढ़ने से पहले सोचते हैं। अगर हम किसी चीज़ में फाइनेंस लगा रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, तो हमें ये देखना होता है कि हम जिसके साथ करने जा रहे हैं वो कैसा है, क्योंकि अगर वो ठीक है तो हमारी काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाती है। तो प्रोजेक्ट अच्छा रहता है तो उसको करने में कोई दिक्कत नहीं होती। और अब प्रो, जैसा आपने क्या बोला, प्रो हिंदू ऐसा कुछ मेरे दिमाग में नहीं है, मैं तो बस अच्छा लगा जैसे संकट मोचन हनुमान का सब्जेक्ट पे डिस्कशन हुआ, अच्छा लगा। अब ये कोइंसिडेंट है कि भगवाधारी भी डिस्कशन हुआ तो भगवाधारी आ गया। आगे भी कुछ इस तरीके के सब्जेक्ट्स अगर आएंगे और अच्छा लगेगा, सबसे पहले तो अगर आपको कोई चीज़ करना है तो आपको अच्छा लगना चाहिए, फिर आप सोचते हो कि हम इसको हमें करना है कि नहीं करना है। तो इस गाने में योगी जी का नाम है, ठीक है, तो क्या कंट्रोवर्सी हो इसके लिए गाना बनाया, कि आपने दिमाग में ऐसा सोचा कि कंट्रोवर्सी हो जाएगा मेरा
नाम हो जाएगा, गाना नहीं हो जाएगा, इस तरह का कुछ नहीं। आप ये कहना चाहते हैं कि योगी जी के नाम से कंट्रोवर्सी हो जाती है? हो जाती है, योगी जी जिसमें हाथ डालता है वही कंट्रोवर्सी हो जाती है। अगर ऐसा है तो फिर मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर उनके नाम आने से कंट्रोवर्सी हो रही है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे ख्याल से योगी जी का नाम जो है वो आज का जो वर्तमान माहौल चल रहा है तो अच्छा काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट अच्छी चला रहे हैं, और हम तो चूंकि लखनऊ बेस्ड हैं, लखनऊ में ही रहते हैं, और तो मेरे ख्याल से इस चीज़ को हम लोग बीच में ना लाएं, मुझे ऐसे लगता है। चंद्र उपाध्याय ऐसा कुछ नहीं है। चंद्र उपाध्याय जी, आपने फिल्में की प्रयागराज, उसके बाद आपने फिल्म की हर हर गंगे, जो शायद अभी भी थिएटर्स में है, कुछ जगहों पर चल रही है फिल्म, उसके बाद आपने फिल्म की संकट मोचन हनुमान, फिर आप लोगों ने गाना किया भगवाधारी, तो क्यों ना कहा जाए कि आप प्रो हिंदू हैं? देखिए, अब हिंदू तो है उसमें कोई डाउट है नहीं, बट देखिए क्या होता है ना, हर किसी का एक अपना जोनर होता है जिसमें वो कंफर्टेबल होता है। मैं उस कंफर्टेबल में ज़्यादा, उस जोनर में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ फिल्में बनाने के लिए, तो मैं उस हिसाब से बनाता भी हूँ। और देखिए, कल्चर को तो याद रखना ही चाहिए, कल्चर को भूलना भी नहीं चाहिए, और मुझे लगता है कि अगर हम अपने कल्चर के लिए बेहतर काम कर रहे हैं तो उसमें बुराई भी नहीं है, कुछ अच्छी बात है, करना चाहिए उसमें। संकट मोचन हनुमान को लेकर क्या अपडेट है? संकट मोचन हनुमान एडिट कंप्लीट हो गया है हम डबिंग पे जाने वाले हैं, और कुछ उसकी एक अलग तैयारी हो रही है उसके रिलीजिंग के लिए और उसके प्रमोशन के लिए, तो उसमें लगे हैं हम लोग, जल्दी फाइंड आउट करके सारी चीज़ें अपडेट करेंगे। मतलब आपको बहुत जल्द एक बेहतर फिल्म संकट मोचन हनुमान के रूप में दिखेगा, जो देखने के बाद वाकई में आपको प्राउड होगा उस फिल्म का। देखिए, वो प्लान आउट हम लोग कर रहे हैं, वो मैं आपको जल्दी बताऊंगा। हमारे यहाँ आपको भी पता है कि भोजपुरी सिनेमा जब बनता है, बेसिकली वो भोजपुरी है नहीं, संकट मोचन हनुमान बेसिकली आप लोगों को बता दूं कि वो एक अवधि फिल्म है, पूरी लैंग्वेज अवधि में हमने शूट किया उसको, और ज़्यादातर जो रीजनल फिल्में हमारे यहाँ ही खास करके फिल्में हैं जहाँ पे उसके प्रमोशंस नहीं होते हैं, और कहीं ना कहीं उसका खामियाजा एक निर्माता को भुगतना पड़ता है कि थिएटर्स तक, थिएटर्स में फिल्में तो लगा देते हैं बट पब्लिक तक नहीं पहुंच पाती वो चीज़ें, कि आके लगी क्या है, कोई थिएटर से क्रॉस हो गया, उसने देख लिया पोस्टर तो समझ में आता है कि हाँ कोई फिल्म लगी है। बट इस बार हम लोग कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं कि घर घर तक जाके वो सिनेमा के बारे में चर्चा हो, उस घर में चर्चा हो, तो वैसा कुछ हम लोग प्लान आउट कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ों को लोग, वो चीज़ें लोगों तक पहुँचाएँ, क्योंकि प्रमोशन जब तक हम नहीं करेंगे, मैंने हर बार पहले भी कहा है, मैंने जितने भी इंटरव्यूज़ किए उसमें आपने सुना भी होगा, मैंने हमेशा बोला है कि अगर हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, बहुत स्पेशल प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा लग रहा है प्रोडक्ट, तो उसको प्रमोट करना ज़रूरी है, उसको लोगों तक पहुँचाना ज़रूरी है। सपोज़ हम मान लेते हैं कोई एक साबुन ही, अगर हम साबुन की फैक्ट्री खोलते हैं और उसको हम बनाने के बाद हम रोड पर रख के बेचेंगे तो कोई नहीं लेगा, उसको पता ही नहीं है कि क्या है नहीं है, क्या स्पेशल इस चीज़ में, तो आपको वो करना पड़ेगा। तो हम लोगों का वही प्लान है कि हम डोर टू डोर कैसे उस चीज़ को पहुंचाएं, अपने सब्जेक्ट से बारे में कैसे पता करें, उसको हाइप कैसे क्रिएट करें ताकि पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा उस फिल्म से जुड़े। और इस बीच हमारे मित्र अभिनेता राज यादव साहब हम लोगों के बीच आए हुए हैं, इनका स्वागत है। मैं सवालों का सिलसिला आगे बढ़ा रहा हूं। नाम है संकट मोचन हनुमान, अगर ये चीज आपके साथ हो तो आप क्या करेंगे? लड़ाई झगड़ा तो करेंगे नहीं, उससे हट के जो कुछ भी करने लायक होगा। हम देखिए, सब कुछ एक प्लान होता है, तो जिस तरीके की वर्तमान सिचुएशंस बनी हुई हैं एट प्रेजेंट, जो है ज़्यादातर एक्टर लोग प्रमोशन में, स्थिति दोनों तरफ है, कभी कभी प्रोड्यूसर भी सोच लेता है यार क्या प्रमोशन करना, सीधे चैनल को भेज दो, तमाम प्लेटफॉर्म्स हैं या तमाम स्थितियाँ हैं, तो कोई सिर्फ एक्टर को दोष देना ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। माहौल तो बनते बनते बना ना, अगर कोई कुछ लोग प्रमोशन में इन्वॉल्व नहीं हुए हो रहे हैं तो उसके पीछे की जो इंसिडेंट्स रहे होंगे, उसके पीछे के भी जो कारण है, उस तक तो कोई जा नहीं रहा। आज ये हो गया माहौल कि एक्टर या एक्ट्रेसेस प्रमोशन में हेल्प नहीं कर रहे हैं, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जो भी स्थितियाँ बनी हों, एट प्रेजेंट जो माहौल है हम उसके हिसाब से प्लान कर रहे हैं कि अगर एक्टर तो वैसे जहाँ तक मेरा मानना है कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर ऐसा कोई स्थिति बनेगी तो हम देखेंगे, उसके लिए बेहतर प्लान कर रहे हैं, हमने चीज़ें ऐसी कुछ डिज़ाइन कर रहे हैं। देखिए, वो ये चीजें से नहीं होता है, प्रमोशन के लिए मैंने ये नहीं बोला कि प्रमोशन, मैंने बोला प्रमोशन प्रॉपर नहीं हो पाता है, रीजन जो भी हो, बहुत तरह के भी रीजन होते हैं,
कभी एक्टर सपोर्ट नहीं करता, कभी प्रोड्यूसर रेडी नहीं होते, कभी लोगों को लगता है कि अरे यार क्यों करना है, टाइम वेस्ट है, चलो हटा दो, तो बहुत सारी चीज़ें हैं उसका। लेकिन फाइनली हम तो यही कहेंगे कि जब तक फिल्मों के प्रमोशंस नहीं होंगे तरीके से, तब तक नहीं हो सकता। हमारे यहाँ आप देखते होंगे, कभी जाते होंगे, तो एक जो भी बूढ़ बुजुर्ग लोग होते थे, आप कहीं बाहर से जा रहे हैं उनके पैर छुएंगे ना, तो उनके मुंह से एक शब्द निकलता था, एक से कई सौ का मतलब होता है कि तुम जितने हो उतने से बहुत ज़्यादा हो, हाँ। सो आज हम ये कहते हैं कि हमारे यहाँ थिएटर्स की कमी है, थिएटर्स कम है, सिंगल थिएटर्स बचे हैं जिसमें पब्लिक नहीं आती, लेकिन हम कोशिश करेंगे तो उसी थिएटर्स में पब्लिक आती है। हरर गंगे में आपने देखा होगा हाउसफुल के बोर्ड लगे थे, तो जब आपको प्रमोट करना होगा आप उस हिसाब की फिल्में बनाइए, उसकी गर्मी बनाइए, ऑब्वियसली पब्लिक जाएगी देखने के लिए, अच्छी फिल्में बनाइए, जरूर जाएगी फिल्म देखने के लिए पब्लिक, तो उसके तरफ काम करना पड़ेगा, हमेशा करना पड़ेगा। जब तक आप नहीं करेंगे, भाई इतनी बड़ी बड़ी फिल्में बन रही है, आप आज देख रहे हैं कि यहाँ बॉलीवुड की फिल्में जो है वो वहाँ से उठ के तेलंगाना चली जाती है प्रमोशन करने के लिए, बिहार चली जाती है प्रमोशन करने के लिए, राजस्थान चली जाती है प्रमोशन करने के लिए, तो हम तो बिहार छोड़ के पटना तक में नहीं जाते हैं जहाँ हमारा मेन सेंटर होता है वहाँ पर। हम क्यों बात कर रहे हैं रिकवरी की फिर? पवन सिंह नहीं गए थे ना? मैं सिर्फ पवन सिंह की बात नहीं करूं, आप किसी भी एक्टर की बात कर लो। खेसारी लाल गए थे संघर्ष टू का एक्सेप्शन उनके खेसारी का, उसे सपोर्ट करते हैं, उसे थैंक यू कहते हैं। मैं बिल्कुल कहता हूं और करना चाहिए। ये उनका देखिए, जब तक एक्टर फिल्म से जेल नहीं होगा, जब तक फिल्म को एक्टर सपोर्ट नहीं करेगा, आप लाख बड़ी फिल्म बना लो नहीं हो सकता कुछ उसका। वही मेरा वही सवाल था कि 4.5 करोड़ के आसपास का बजट, 2 साल के आसपास का वक्त हर हर गंगे में लगा, प्रमोशन के लिए 2 घंटे भी नहीं मिले। ठीक है, कोई बात नहीं, उसके बावजूद पब्लिक ने बहुत अच्छे से क्या नाम है उसको एक्सेप्ट किया है, फिल्म जाके पब्लिक ने देखी है, फिल्म को रिस्पॉन्स बहुत पॉजिटिव था, हम लोगों का जो मेहनत था वो सफल हुआ है, उसमें कहीं कोई वो नहीं है, तो बेहतर रिजल्ट आया है, उसके लिए खुश है हम। प्रमोशन के मामले में कल्लू बेहतर होंगे पवन सिंह से? बिल्कुल, कल्लू के साथ तो एक ऐसी बॉन्डिंग है कि वो कभी भी रात को 12 बजे 1 बजे 2 बजे भी रेडी रहता है करने के लिए, तो उसमें तो कहीं कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है। इससे हटके हितेश्वर जी आपसे सवाल है, रैपर हितेश्वर जी भगवाधारी वाला जो सॉन्ग लॉन्च है उस पर वापस लौटते हैं। हितेश्वर जी, आपने ये गाना बहुत दिल से बनाया, क्योंकि मुझे शुरू से पता है कि कैसे कैसे ये गाना पूरा बना हुआ है। अब ये गाना आपके सामने लोगों के बीच है, अब इस पर दर्शक जो है वो प्रतिक्रियाएं देंगे, इसे रेट करेंगे कि उन्हें कैसा पसंद आया, कितना पसंद आया, आया भी या नहीं। इसके बनने के पीछे की जो कहानी है, कितना प्रयास लगा आपका, आपने कितनी मेहनत की और कैसे ये आज जो है लोगों के बीच है। आप सभी मीडिया बंधु को प्रणाम करता हूँ मैं। अगर उसके पीछे जाऊँ तो काफ़ी एक घंटा लग जाएगा बात करते करते, शॉर्टकट में आता हूँ क्योंकि सारी चीज़ें तो बात हो चुकी है। 3-4 महीना हो गया था इसके लमसम, इसका इसको पूरा करने में, अयोध्या पहुँचने तक 3-4 महीने लग गए थे मुझे, और फाइनली जो जय श्री राम भगवान है हमारे प्रभु, वो कहीं ना कहीं किसी आकृति में दिखते हैं, तो वो चीज़ मैं DM भैया के अंदर देखा, जय श्री राम जो का जो आकृति है एक भैया में जय श्री राम दिखते हैं मेरे को अभी भी, क्योंकि क्या है, ऐसी पर्सनालिटी भी है, ऐसी विचार भी है, ऐसा ही व्यवहार भी है, एकदम हंसते रहते हैं, प्यार से जो करना करो, क्या चाहिए बोलो, तो ये सबसे बड़ा प्यार होता है। अच्छा, ये सच है कि आप ये चाहते थे कि भगवाधारी में यही भगवाधारी? मैं तो बिल्कुल चाहता, लेकिन इतने बड़े आदमी है थोड़ा डर भी लग रहा था मुझे तो मैं फिर अपने मन की पर्सनालिटी भी देखी, आप मीडिया बंधु आप लोग हैं, सारे मित्र हैं, दोस्त हैं, बोलने में कोई हिचक की बात है ही नहीं, तो दिल से वो आपने पूछा, दिल से बताया, कहीं श्री राम जी पर्सनालिटी कोई कमी आ रही है देख लीजिए भैया को तो खैर हाँ, वो भी हमारे भाई हैं और अभिनव तिवारी जी, वो भी साथ में, हम दोनों मिल के बड़ा इंजॉय किए, भक्ति किए, पूजा किए, राम हनुमान गढ़ी गए तो भगवान का आशीर्वाद भी मिला, और जब प्रभु का आशीर्वाद मिलता है फिर क्या डरना, तो इस गाने के लिए प्रभु का आशीर्वाद है, इतने बड़े बड़े डायरेक्टर लोग का आशीर्वाद है, आप लोग का आशीर्वाद है, मीडिया बंधु का आशीर्वाद है, तो बस जय श्री राम। हाँ हाँ, अरे क्यों नहीं जी सरकार। भगवा रंग में रंगे हुए है भगवा धारी,
माथे तिलक धनुष धरे हते अवध बिहारी, अयोध्या में देखो धूम मचल है जगमग जगमग, ए तो सजल है राम जी पधारे हैं, अद्भुत नजारे हैं, इन्हें कोटि कोटि है प्रणाम। जय श्री राम, जय श्री राम। आप लोग भी बोलिए भैया मोबाइल में लगने वाले, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जी हां, प्रणाम। जय श्री राम। ये लगा ना भाई, यूपी में है। देखिए फिलहाल जो अभी फोकस है वो संकट मोचन हनुमान और लव यात्री पे है जी। ये दोनों को एक जगह पहुंचा दूं, उसके बाद फिर प्लानिंग है हमारी, राइटिंग चल रही है, बाकी चीज चल रही है, बट हम प्रोसेस में भी नहीं रखे हैं। वो पहला जो हम लोगों का फर्स्ट प्रायोरिटी है वो संकट मोचन हनुमान है और लव यात्री है, जिसको जिस हिसाब से हमने शूट किया है उसी हिसाब से उसको रिलीज भी करना है तरीके से, तो फिलहाल उसके ऊपर फोकस है। कब रिलीज कर रहे हैं संकट मोचन हनुमान? मे बी रामनवमी का प्लान है। शानदार। ट्रेलर कब तक आ जाएगा? ट्रेलर आपको देखने को मिलेगा जनवरी, जनवरी के बीच ट्रेलर आ जाएगा। यस, आप कुछ कहना चाहते हैं? आप भैया, आप कुछ कहना चाहते हैं? भगवाधारी कहना यही चाहते हैं कि आप लोग जो है संकट मोचन हनुमान जो फिल्म है वो ऐसे तो फिल्म है ही, लेकिन बड़े दिल से जो है उसमें इन्वॉल्व रहे। हम भी पर्सनली पूरा लगभग 56 डेज जो है सेट पे मैं भी मौजूद रहा, और बेसिकली मेरा काम धाम ऐसा है कि मैं कहीं इतना ज़्यादा लंबा रुक नहीं पाता हूँ, लेकिन फिर भी मैंने 56 डेज में लगभग 50 डेज मैंने जो है अयोध्या में बिताया, और मुझे लगता है कि लगभग 30 डेज आप भी मेरे साथ ही थे। मैंने भी इतना लंबा समय किसी फिल्म के सेट पे नहीं बिताया, और मुझे लगता है कि आप आपको याद है क्या? लगभग दो या तीन बार जो है ऐसा हुआ जब आप जो है मुंबई से, मैं कुछ शूट कर रहा था अचानक से तो फिल्म को बहुत दिल से बनाया गया है, और वो फिल्म जो है कुछ इस तरीके से बन भी गई है क्योंकि कुछ एडिट पार्ट सभी हम लोगों ने देखे जो है थोड़ा बहुत, तो अच्छी बनी है, और उसको रिलीज करने का प्लान जो है थोड़ा सा अच्छे से किया जा रहा है, तो आप लोगों का सहयोग चाहिए। आप लोग फिल्म आप लोग भी आइडिया दे सकते हैं, आप लोग भी आइडिया दे सकते हैं कैसे प्रमोट करें। मुझे ये पता चला कहीं से, ये पता चला है कि भाई ये हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे ज्यादा सेंटर्स पर सबसे ज्यादा थिएटर्स में रिलीज होने वाली सबसे बड़ी नॉन हिंदी फिल्म होगी अब तक की, ऐसा कुछ है? देखिए कोशिश कर रहे हैं, मीटिंग चालू है, अगर ऐसा होता है तो हम लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा, ये हमारे लिए हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत शुभ शुभ संकेत होगा, हमारी कोशिश तो है। वैसा प्लान कुछ ऐसा ही है, आपने सुना है तो कुछ सही सुना होगा क्योंकि आपके कान के जो वो है बहुत लंबा है, पता नहीं कहाँ से आप सुन लेते हैं, हम लोग सोचते हैं और आपको सुनाई देता है, हमें लगता है ये हमारे आपके दिलों का भी मिलन है कहीं ना कहीं, सोचते हैं हम लोग है सुनाई आपको दे जाता है। घर में वाईफाई का कनेक्शन लगता है बॉस, ये दिल में वाईफाई का कनेक्शन लगता है पहली बार। रिलीज के लिए पूरी ग्रैंड तैयारी भी करनी पड़ेगी क्यों चंदन जी? बिल्कुल, प्लान कुछ चल रहा है ऐसा है। यस यस, देखिए हम लोगों का प्लान ऐसा था कि हम लोगों ने फिल्म तो शूट किया बहुत अच्छे से, लेकिन फिर ये डिसाइड हुआ कि आउटपुट कैसा आता है, अगर आउटपुट आएगा तो हम फिर अपना प्लान। हमारे ऊपर संदेह था कि आउटपुट आ कैसा रहा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, संदेह नहीं था। देखिए कई बार आप बहुत अच्छा काम करते हैं, कोई चीज आप अपने हाथ से, सपोज करिए घर में ही खाना बनता था, ये होता है हमने बहुत अच्छा उसको बनाया है, लेकिन जब आप उसको स्वाद लेते हैं तो पता लगता है कि उतना अच्छा नहीं आया जितने हमने मेहनत की, हो जाता है, इसमें आपका कोई मतलब आपको आपके अंदर कोई कमी या कोई ऐसी बात नहीं। हमने ये सोचा था कि अगर आउटपुट बढ़िया आया तो फिर हम उस हिसाब से रिलीज प्लान करेंगे, तो जब फाइनली हमने देखा कि फिल्म हमारी जो है अभी उस पर एडिट पे जब हमने बैठे, हम लोग एक बार बैठे तो फिर हमसे नहीं रहा गया, हमने कहा यार मैं एक बार और बैठना चाहता हूँ, फिर हम बैठे, जबकि अभी उसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं जो टेक्निकल पार्ट्स होते हैं EGM भी क्या क्या दुनिया भर का भी, तो केवल वही है कि रफ एडिट जिसको बोलते थे वही मैंने देखा था, तो मैंने कहा यार पिक्चर तो अच्छी है, आगे का प्लान कर सकते हैं, तो आपके ऊपर डाउट नहीं था, आपके ऊपर विश्वास था, इसलिए मैंने ये बात पहले कह दी थी कि जो है कि हम देख के कुछ और आगे अच्छा बड़ा प्लान करेंगे। सर आपको पता चला कि आप भी कुछ किरदार निभा रहे हैं इसमें? आपको भी पता चल गया? आनंद जी का पूरा ग्रुप ही ऐसा है, उनको पता चल ही जाता है चाहे जितना छुपाइए। आप कौन सा किरदार कर रहे हैं या नहीं? किरदार का नाम तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हाँ कुछ है, मतलब कुछ छोटे से किरदार में हम भी हैं जो है,
और वो किरदार इनका कहना था कि वो आपके ऊपर सूट करेगा आपका, जिससे भी इन्होंने कहा कि राम का रोल, तो मुझे याद आ गया कि मैंने राम का रोल किया है। अरे वाह। तो लेकिन वो रामलीला में किया था। तो वो 99 से लेके 2005 तक, 4 या 5 तक मैंने किया था, और उस समय मैं जॉब पे चला गया था उसी साल, मतलब 99 में मैंने रामलीला का फर्स्ट वो किया था, और फिर उसी साल मेरा जॉब लग गया, मैं नेवी में भर्ती हो गया और मैं ट्रेनिंग पे चला गया। तो एक मंदर एक फीलिंग अटैच हो गई, बन गई कि लगता है कि मैंने ये काम किया और बहुत अच्छे तरीके से किया था, इसलिए मेरे साथ। तो मैं छुट्टी लेके आता था और मैंने अपने रामलीला कमेटी को फाइनेंस करना शुरू कर दिया कि रामलीला बंद नहीं होना चाहिए। तो उस टाइम पे कुछ 19-20 हज़ार रुपये का बजट आता था उन रामलीला का, जो गाँव में क्योंकि बहुत सारे लोग उसमें चंदा डोनेशन आरती ये वो होता था, तो 19-20 हज़ार रुपये मैं जो है जो भी आता था, तो मैं उस समय अपनी कमेटी को मैंने डोनेट करना शुरू किया और फिर चलता रहा वो सिलसिला। तो बस इसी तरीके से कुछ स्थितियां बनी, चंदन जी ने कहा कि ये रोल आप कर सकते हैं, तो हमने कहा कि पहले यार मैं देखूं है कि वैसा है, मतलब मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि एक माइंडसेट होता है ना हम ये चीज़ कर पाएंगे, तो किया है, छोटा सा रोल है, बाकी क्या है कैसे है ये तो आप लोग फिल्म में देखेंगे जो है। चलिए ठीक है, थैंक यू हरी के लिए बहुत बहुत बधाई, और मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही हितेश्वर भाई निरंतर आगे बढ़ते रहें और बहुत सारे अच्छे अच्छे गाने बनाते रहें। जी अभिषेक भाई आपके तो बचपन के दोस्त हैं हितेश्वर रैपर। बचपन तो नहीं कह सकते, करीबन 25-27 साल हो गए। बचपन से थोड़े, जब हम कॉलेज लाइफ में आए तब से हमारे मित्र है जी। और तब से अभी तक हमारा साथ किशोर अवस्था से। हाँ किशोर अवस्था से, तो तब से अभी तक हम उनके साथ ही जुड़े हुए हैं, एक फैमिली मेंबर की तरह है, सुख दुख के साथ ही है। बिल्कुल। तो अच्छा लगा आपको गाना, बधाइयां देना चाहते हैं। मैं तो उसे हमेशा प्रोत्साहित करते रहता हूँ कि ऐसा ऐसे नए नए कॉन्सेप्ट के गाने बनाते रहें और जीवन में, उनके जीवन में, उनके करियर में आगे बढ़ते रहे। मैं उन्हें हमेशा मॉरल सपोर्ट देता हूँ। जी हाँ, वाकई एक तो रैप सॉन्ग और ऊपर से भगवाधारी, और वो भी अयोध्या जैसी पावन भूमि में जाके बनाना, ये अपने आप में एक हिंदुस्तान की संस्कृति का जतन करना है और उसको बढ़ाना है, और ये बहुत अच्छा कदम हितेश्वर भाई और वो जो बाकी पूरी टीम है जिन्होंने ये सॉन्ग बनाने में पूरी मदद की है, उन्होंने की है, उन पूरी टीम को बहुत शुभेच्छा। आगे भी इस तरीके से हिंदुस्तान के कल्चर के साथ में एक रैप सॉन्ग बनाते रहेंगे, ऐसी शुभेच्छा। राज भाई कभी मौका मिला तो काम करेंगे साथ? बिल्कुल करेंगे। चलिए हैंडसम हीरो राज यादव जी, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और इसी तरह अच्छे अच्छे हमारे कलाकार आते रहे इंडस्ट्री में, और अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगा, और ये सॉन्ग मुझे लगता है बहुत अच्छी व्यूज़ और सारी शुभकामनाएं दी जाएगी। कैसी लगी उनके, हितेश्वर के? मुझे लगता है कि इंडस्ट्री में जितने अभी स्टार चल रहे हैं उनसे अच्छी है। ठीक है, सेहत पे थोड़ा ध्यान दीजिए। मैडम कुछ कहना चाहती हैं आप? जी, मैं हितेश जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी इस सॉन्ग के लिए, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, और आई होप कि और भी अच्छे अच्छे गाने वो करेंगे। रही बात तो उनकी पर्सनालिटी का, तो ऑब्वियसली जब भगवादारी उन्होंने किया है तो फिर रंग वंग सब जम गया है, अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा लगा। आप सिंगर हैं संजीव, आपने खुद कई सारे रैप सॉन्ग्स किए हुए हैं, आपने बहुत सारे रैप सॉन्ग्स किए हैं, ये जो रैप सॉन्ग है भगवादारी कितना यूनिक लगा आपको? सबसे पहले सभी दर्शकों को नमस्कार प्रणाम, मैं भोजपुरी गायक संजीव यादव, और ये गाने के लिए बताना चाहूँगा, ये गाना मुझे बहुत ही प्यारा लगा। इससे पहले हितेश भैया का मैंने कई गाना देखा हुआ जो कि रैप सॉन्ग में है, और इसमें रैप और एक लोकगीत जो हमारा भोजपुरी का मेन कल्चर है उसको मिक्स करके जो इन्होंने गाया है बहुत प्यारा लगा, और दूसरी हितेश भैया की जो पर्सनैलिटी है वो पर्सनैलिटी बहुत ही प्यारी लगी, क्योंकि एक अगर हम देखें तो शायद ही भोजपुरी में कोई ऐसा आर्टिस्ट होगा जो इस तरह से लुक और पर्सनालिटी को लेकर के एक भगवाधारी गाना शूट किया, और ये सबसे बड़ी बात है ये गाना हमारे अयोध्या में शूट हुआ है। तो ऑल द बेस्ट हितेश भैया के लिए कि ये गाना खूब अच्छा रन करे और रील पर खूब ज़्यादा वायरल हो, क्योंकि आजकल क्या है, एक टाइम था यूट्यूब का ज़्यादा हुआ करता था, आजकल रील पे गाने हिट होते हैं फिर यूट्यूब पे आते हैं,
ज़्यादा हाईलाइट होते हैं। तो ऑल द बेस्ट भैया के लिए और ये गाना खूब चले। अंजलि आप भी कार्यक्रम में बहुत सारे बड़े बड़े लोगों के साथ आपने गाने जी जी। सबसे पहले नमस्ते सभी को, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं। मैं सिंगर अंजलि यादव और मैं भी बस छोटा मोटा गा लेती हूँ। मैं ज़्यादातर तो मैं प्लेबैक करती हूँ, एल्बम भी कर रही हूँ। पहले मैं पटना से सिंगिंग कर रही थी, अभी कुछ टाइम पहले ही मैं बॉम्बे से करना स्टार्ट किया। मैंने पवन जी, खेसारी जी, दिनेश लाल यादव जी के मूवी में ऑलमोस्ट मैंने सभी लोगों के साथ काम किया और मुझे बहुत अच्छा लगता है सबके साथ काम करके। और आगे भी आप सभी लोगों को बहुत अच्छा अच्छा सॉन्ग सुनने को मिलेगा मेरा। आप सभी लोग जिप्सी म्यूजिक जो है उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, उस पर गाना आया है भगवाधारी, और उसे शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें और लाइक सब्सक्राइब करें। गाना बहुत अच्छा है, धार्मिक है, और ये गाना आपको धार्मिक के साथ आपके वो हेल्थ को भी प्रेजेंट करता है कि आपको अध्यात्म की तरफ जाना चाहिए, साथ में अच्छा हेल्थ भी होना चाहिए। यूट्यूब पर कैसे सुन सकते हैं भगवाधारी? भगवाधारी जो है जिप्सी म्यूजिक पे है, ZIMC, हाँ उस पे जाइए और वहाँ सुनने को मिलेगा। अंजलि असल का आपको गाना। सबसे पहले तो सभी न्यूज़ चैनल वालों को मेरा नमस्ते और इस टीम को भी पूरा नमस्ते। मैं एक्ट्रेस अंजलि सिंह, और जिप्सी म्यूजिक चैनल को लाइक कीजिए और बहुत सारा प्यार दीजिए भगवाधारी, जिसमें मेरे बहुत प्यारे फ्रेंड हितेश्वर जी हैं और दूसरे जो उनके साथ फ्रेंड है वो तो हनुमान जी ओरिजिनल लग रहे थे। तो ढेर सारी शुभकामनाएं इस गाने के लिए, लव यू। मैंने गाना सुना है, बहुत अच्छा गाना है और भक्ति गाना है, और आजकल भक्ति गाना बहुत मतलब ट्रेंड से चल रहा है, अच्छा है। और मैं तो बोली बहुत अच्छा है, आगे जाएगा। और अरे भैया पहली बार आप निर्देशक की जो है वो कैप पहने हुए हैं, कैसा था अनुभव? मुश्किल था? अनुभव जो है बहुत ही अच्छा था, और मेरी पहली सी कुछ सोच है कि जो हमारे धार्मिक स्थल हैं जैसे बनारस है, अयोध्या है, केदारनाथ है, और अगर साउथ में जाएं तो वहाँ भी बहुत सारे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि अच्छे गाने बने और जो हमारे धार्मिक स्थल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करें। तो ये स्टोरी बहुत सारी मैंने बना के रखी है कि अगर कोई अच्छा गाना आएगा तो मैं उस स्थल को, धार्मिक स्थल को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लोर कर सकूं। दिलीप जी आपका सपना था अयोध्या जाने का, अयोध्या जाने का सपना साकार हुआ, ऊपर से आपको एक नया। हाँ, इसके पीछे भी एक अच्छी कहानी है। मैं काफ़ी दिनों से हमारे मित्र जो हैं आन भाई, उनको कह रहा था कि आप हरदम अयोध्या जाते हैं और मुझे नहीं लेके जा रहे हैं। तो अयोध्या जाने की मेरी इच्छा थी, इस बीच में हितेश्वर मिले, हमारे डिस्कस हुए कुछ गाने को लेकर, और मैंने कहा कि इसका पार्ट्स बनूंगा मैं, और मेरा अयोध्या जाने का भी सपना पूरा हुआ। और इसके अंदर जो है मैंने अपना सहभाग दिया है जो मुझे आता था, जो मेरे दिमाग में थी। तो ये सारी चीज सूत्रों से पता चला कि आप फिल्म भी डायरेक्ट करने जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं है, ये एक ऐसा कुछ करने नहीं जा रहा हूँ। मैं एक रिपोर्टर हूँ और रिपोर्टर जैसा ही रहूँगा, लेकिन ये बिल्कुल शुरुआत हो गई ना इनकी, इस गाने से डायरेक्टर बन गए तो मौका मिलेगा तो फिल्म भी करेंगे। बिल्कुल जिप्सी म्यूजिक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, और ऊपर आप देख रहे हैं स्पेलिंग गलत बिल्कुल ना करें। मैं जो है कॉपी आपको लिंक दे दूंगा और अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे से पेस्ट करिएगा जरूर। नेक्स्ट क्या करना चाहते हैं? एक और गाना। मैं आप लोगों के साथ ही सवाल जवाब करूंगा, नेक्स्ट मेरा यही है। थैंक यू।